Alright guys, what's up? I hope you guys doing absolutely fine, and our today's content is going to be quite different because in our today's video we are going to talk about DPI. First of all, DPI stands for dot per inches. देखो आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि DPI को ऐसा सेट करो, अपने विथ को इतना सेट करो तो आपका गेम प्ले इतना अच्छा होगा. आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि DPI होता क्या है, इसका एक्चुअल यूज किस लिए किया जाता है एंड इसका बैड इफेक्ट क्या पड़ता है. मतलब अगर आप DPI यूज कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आपको कौन से प्रॉब्लम फेस करने को होंगे, ये सब चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट वाई प्लेयर्स लाइक एमिटेन, विंसेंजो, राइस्टार, ये सभी प्लेयर्स डीपीआई का यूज क्यों करते हैं. अगर इसका कोई बैड इफेक्ट पड़ता है तो ये सभी प्लेयर्स इसका यूज क्यों करते हैं, इस पूरे कंप्लीट चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं. सो गाइस प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड गाइस बिफोर वी स्टार्ट इनटू आवर वीडियो, आई लाइक टू अर्ज यू और यू कैन से आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू. ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी है जो सिर्फ इस चैनल के वीडियोस देखते हैं. मुझे मेरे क्रिएटर स्टूडियो में पूरा कंप्लीट एनालिटिक्स दिखता है कि कितने परसेंटेज लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, कितने परसेंटेज लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतने परसेंटेज लोग अभी भी है जो सिर्फ फैम क्लैशर का वीडियो देखते हैं. सो प्लीज गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज हिट द रेड सब्सक्राइब बटन. इट टेक लेस देन 2 seconds टू सब्सक्राइब दिस चैनल, सो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. सो या अब देखो गाइस, यूट्यूब पे अगर तुम जाके सर्च करोगे DPI तो तुम्हें इतने वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, इतने वीडियोस देखने को मिल जाएंगे. यूट्यूबर्स ने इतने वीडियोस डाल रखे हैं DPI के ऊपर, जहां पे यूट्यूबर्स ऐसा क्लेम करते हैं कि आप DPI में जाके विद अपना इतना रख लो तो आपका प्रॉपर हेडशॉट लगेगा, आपका गेम प्ले का लेवल इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू नाउ. एंड ये वीडियो देखने के बाद आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा DPI से रिलेटेड, आपकी हर एक क्वेरीज क्लियर हो जाएगी जो कि आपकी DPI से रिलेटेड हो, आपको हर एक चीज पता चल जाएगा. सो लेट्स स्ट्रेट इनटू आवर वीडियो. सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज DPI एंड व्हाट्स द एक्चुअल यूज ऑफ DPI इज, अभी इस चीज पे बात कर लेते हैं. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, DPI स्टैंड्स फॉर डॉट पर इंचेस, जो कि आपको पता भी रहेगा एंड मैंने बता भी दिया हूं स्टार्ट ऑफ द वीडियो में. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स द एक्चुअल यूज ऑफ DPI इज, अभी इस चीज पे बात कर लेते हैं. देखो DPI सेटिंग में अगर आप विड्थ को चेंज करते हो तो वहां पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि अगर आप इसमें मैनिपुलेशन करते हो या फिर आप इसमें चेंजेस करते हो तो आपका जो इफेक्ट है वो आपके सेंसिटिविटी में पड़ेगा, आपके डिस्प्ले के सेंसिटिविटी में पड़ेगा. सब अल्टीमेट इफेक्ट पड़ता है, आपके गेम में भी ऐसा इफेक्ट पड़ता है. अब वो कैसे है और मैं बताना क्या चाहता हूं, लेट मी टेल यू, अगर आप DPI के विड्थ को चेंज करते हो, अगर आप विड्थ को चेंज करते हो जो कि बाय डिफॉल्ट 360 रहता है, अगर आप उसे इंक्रीज करके 500 कर देते हो तो जो आपके डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो रहता है ना वो कम हो जाता है. मैं एक्सटर्नल डिस्प्ले की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनल जो डिस्प्ले रहता है ना उसका कम हो जाता है, लाइक जो बड़े बड़े आइकन्स रहते हैं वो छोटे हो जाते हैं और सभी चीजें में चेंजेस होता है. तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट पड़ता है आपके टचेस में, अगर आपके टचेस में इफेक्ट पड़ेगा तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट पड़ेगा आपके गेम के सेंसिटिविटी में. सो ऐसा मत सोचना कि DPI में अगर हम चेंजेस करेंगे, अगर मैं 500 से 600 करूंगा तो गेम की सेंसिटिविटी उतना फास्ट होगा एज कंपेयर टू नाउ, मेरी गेम की सेंसिटिविटी और इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा. जो आप अगर आप 500 से 1000 करोगे तो आपके जो एस्पेक्ट रेशियो है आपकी स्क्रीन का वो कम हो जाएगा, जिसका डायरेक्ट अल्टीमेट इफेक्ट आपके टचेस पे पड़ेगा एंड उसका अल्टीमेट इफेक्ट पड़ेगा आपके गेम के सेंसिटिविटी में. आपका गेम का सेंसिटिविटी उतना ही रहेगा, बस थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा. आई होप आपको समझ गया रहेगा कि DPI का एक्चुअल यूज होता क्या है. और बेसिकली अगर हम इसका एक एक्चुअल यूज में बात करें तो ये इसलिए होता है ताकि आपको हर एक चीज प्रॉपर रखे, आपको हर एक चीज प्रॉपर दिखे अपने फोन में आपकी स्क्रीन के हिसाब से, इसलिए इसका एक्चुअल यूज वैसा होता है. क्योंकि किसी को ज्यादा बड़े में देखना पसंद है एंड ज्यादा छोटे में देखना पसंद है, सबके हिसाब से डिपेंड है, इसलिए इसका यूज बनाया गया है कुछ इस तरीके से. बट इसका अल्टीमेट इफेक्ट पड़ने लगा हमारे गेम में तो लोग इसे गेम के लिए यूज करने लग गए. एंड नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट यूजिंग DPI इज गुड और बैड, अभी इस चीज पे बात कर लेते हैं. और बहुत सारे लोग ये चीज जानना चाहते हैं कि क्या DPI यूज करने से सही में कोई बुरा इफेक्ट पड़ सकता है हमारे फोन में, क्या हमारी ID बैन हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आप DPI का कुछ भी यूज करो आपके ID पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनल सिस्टम है आपके फोन का. तो ये मत सोचो कि अगर आप DPI का यूज करोगे तो आपके ID पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनल सिस्टम है, आप इंटरनल सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहे हो, ना कि आपके गेम के प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ कर रहे हो. एंड अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं यूजिंग DPI इज गुड और नॉट, इसका आंसर मैं टू बी हॉनेस्ट होकर दूं तो मेरा आंसर रहेगा नो, नेवर यूज इट. अब वो क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, लेट मी टेल यू. देखो जिसके पास 2GB रैम वाला फोन है, 3GB रैम वाला फोन है एंड इवन दो 4GB रैम वाला फोन है, अगर तुम ये चीज का यूज कंसिस्टेंटली करते रहोगे, कंटिन्यूअसली करते रहोगे गेम में थोड़े से सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेंगे. आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे आपके फोन में. अगर आपके पास 2GB रैम वाला फोन है तो इसे बिल्कुल भी यूज मत करो, जरा भी यूज मत करो, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे. जो भाई लोग अभी स्टार्ट किए DPI का यूज करना, अगर वो कंटिन्यूअसली यूज कर रहे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे. लाइक आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी प्रॉब्लम होगा एज कंपेयर टू नाउ, आने वाले टाइम में आपका बैटरी उतना फास्ट चार्ज नहीं होगा जितना वो पहले के टाइम में हुआ करता था. एंड आपका फोन डेड हो सकता है, आपको टचेस का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, आपको लैग का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर अगर आप DPI का यूज कंसिस्टेंटली करोगे, अगर आप DPI का यूज कंटिन्यूअसली करोगे तो आपको ये टाइप के प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं अपने आने वाले टाइम में अपने फोन में. अब कुछ मेरे भाई लोग ऐसा बोलेंगे कि मैं तो
छः महीने से DBI का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन में तो कुछ नहीं हुआ। नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है, आपके फ़ोन में नहीं हुआ तो ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है तो किसी के फ़ोन में नहीं होगा। मेजॉरिटी इसमें ज़्यादा है, ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में प्रॉब्लम्स आ चुकी है जो DPI का यूज़ कर रहे हैं। इवन दो मेरे फ्रेंड्स के भी फ़ोन में आ चुका है। एंड जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि आपकी बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होती है, क्योंकि टच की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है एंड टचेस का ज़्यादा यूज होता है। सो इसका अल्टीमेट इफेक्ट बैटरी पे पड़ता है एंड बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। आप कंपेयर कर लेना एक वक्त DPI को यूज़ करके एंड एक वक्त TPI को नहीं यूज़ करके। अगर आपको फिर भी DPI का यूज़ करना है, अगर आप चाहते हो नहीं भाई हमें फिर भी DPI का यूज़ करना है, आप कोपअप हो चुके हो DPI से, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, जब आप गेम खेल रहे हो तब आप DPI का यूज़ कर लो, आप अपने DPI को इंक्रीज कर दो। एंड जब आप गेम को बैक कर ले रहे हो तो अपने DPI को एज डिफॉल्ट जो रहता है उस पर सेट कर दो। इससे क्या होगा, आपके टचेस का उतना यूज़ नहीं होगा एंड आपका फ़ोन ख़राब होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा एज कम्पेयर अगर आप DPI को कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो। एंड अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, ब्रो तू तो ऐसा बोल रहा है कि DPI का यूज़ मत करो, बट वाई यूट्यूबर्स लाइक M10, Vincenzo जो कि PC में भी DPI का यूज़ करते हैं, RyStar, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि DPI का यूज़ करते हैं, वो लोग क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता तो वो हमें इन्फॉर्म कर देते, बट वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं DPI का, वो चीज़ बता। अब देखो ये बात भी काफ़ी हद तक सही है, बट इसका जो आंसर है वो बहुत ही छोटा सा आंसर है गाइस। अगर हमारा फ़ोन ख़राब हो जाएगा DPI की वजह से, अगर हम DPI को कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे और हमारा फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो हम फ़ोन वो टाइम पर नहीं ले पाएंगे। और बात रही उन लोगों की, तो भाई उनके बहुत सारे अर्निंग के सोर्सेस हैं, अगर उनका 4-5 भी फ़ोन ख़राब हो जाएगा ना तो वो ईजिली अच्छा फ़ोन परचेस कर लेंगे। सो अगर बात करें ऐसे, अगर उनका फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो वो परचेस कर लेंगे, अगर ये चीज़ हमें होगा, हमारे साथ ये प्रॉब्लम होगा तो हम टाइम पर परचेस नहीं कर पाएंगे। सो यही रीज़न है DPI का यूज़ आप मत करो। अगर आपको करना है तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया वो ट्रिक का यूज़ करके करो, वो भी ट्रिक नहीं है कोई, एक छोटा सा टिप है, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, बट बैटरी आपकी वैसी ही ड्रेन होगी। सो गाइस बस दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो, और यू कैन से दैट इट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो देन प्लीज़ ये वीडियो को कर देना एक लाइक, अगर नए हो चैनल पे देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स देखने को मिलते रहेंगे। सो गाइस दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो, दिस वॉज माई होल साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।